कृपया ध्यान दीजिए, हम गुवाहाटी पहुंच गए हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। कृपया अपने सामने वाले रो के यात्रियों के प्रस्थान के बाद ही अपनी सीट सोचे, ये आपके और आपके सह यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। आप अपनी सीट पॉकेट में से देखें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में न रह जाए। सामान कम सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान कर लें। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आप अपने ड्रॉप करने के बाद बात कर लें और एयरलाइन बोल दें। अपनी यात्रा में बहुत शामिल करने के लिए धन्यवाद। दिल्ली जंक्शन की हम राइडिंग उठाती है मोबाइल फोन नाउ The aircraft comes from the aircraft. We request you to close the window shades and open the air vents to maintain the cabin temperature once the doors are opened. IndiGo wishes you a very pleasant stay here or a happy onward journey. Thank you for making us a part of your travel plans. हमारे बंद हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा माता तुम्हें हो पिता हमारे माता तुम्हें हो पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा आरती करूं मैं प्रभु दिया जला के प्रभु तुमको मनाऊं आरती करूं मैं प्रभु माला चढ़ा के प्रभु तुमको मनाऊं दिया जला के प्रभु तुमको मनाऊं दिया माला चढ़ा के प्रभु तुमको मनाऊं माला हरे कृष्णा हरे हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे कृष्णा करुणा सिंधु दिन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव द्रविणं मम देव देव तमेव द्रविणं मम देव देव तमेव द्रविणं मम देव देव तमेव द्रविणं मम देव देव। बोल कृष्ण महाराज की जय। बोले अपने गुरु महाराज की जय। कृष्ण राधे की जय। बोले राम सीता की जय। बोले श्रील प्रभुपाद की सबको जय। हरे कृष्णा। मोहन तेरा दास तरसता है जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया जीवन जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन ओ जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन ओ दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन अब ढेर नहीं मुझ में इतना तो परखता है अब ढेर नहीं मुझ में इतना तो परखता है दिल के हर धड़कन से
तेरा नाम निकलता है दिल की। तेरा नाम निकलता है, तेरा नाम निकलता है। उपस्थित परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में पुनर्वार प्रणाम करते हुए आज की कथा में उपस्थित समस्त प्रभु प्रेमी के जो हता हमें अठारहवाध्याय के कुछ ज्ञान के ले चुक रही और आज पुनराय हमने यहाँ से लेकर एकत्रित हो ही ज्ञान के सुने कर चलते ले, ज्ञान के लगे कर चलते ले। गीता के ज्ञान समस्त जगत के दरकार है और सुबह कोई हमने गीता के ज्ञान के लगे कर चलते ले एकत्रित हो ही जहाँ कहाँ गीता के ज्ञान होल उस जगह में स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित रहल और गीता के ज्ञान के उकर माध्यम से वो हमने के बीच में रह के हमने के सब कोई के ये अवसर टा देल। तो उकर ले हमने परमपिता परमात्मा के पात्र लगी सब को एक एक जन और हमने के मुख्य परमपिता परमात्मा लगे। तो निष्काम कर्मों के हमने आगे हफ्ता सुन रही निष्काम कर्मों का आगे बोलन मैंने हमें मंदिर में आती और मंदिर में आई के जन का समय दे थी मैंने इस समय का कहा लगे इस समय का जन का निकाय के हम मंदिर में उपस्थित होते ही और मंदिर में आई के बुझते ही और सत्संग सुनते ही ये जन का लगे रहे कि गुण लगे अरे एक गुण के प्रभाव से हमदर जीवन में कि सचमुच के बदलाव आनते पार्बे। बहुत बड़ा प्रश्न श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के एक ज्ञान देते हुए सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन तक गुण के विस्तार से बताते हुए सतोगुण में अधिक क्षमता अधिक ज्ञान के प्रकोप देखा बोले और वह ज्ञान के हम यहाँ सभी कोई सुनते ही कारण सतोगुण के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सद्भावना जागृत हुई सतोगुण के प्रभाव से। आखिर हमारे जीवन में सतोगुण इतना दरकार का लिया है हमने सुबह को यहाँ बैठ के सत्संग सुनो थी और सत्संग के बुझे कर चलते ले समझे कर चलते ले सतोगुणी हो एक बहुत आवश्यकता है। हमने सब कुछ जानिल सब कुछ बुझेल हमने संसारिक लगे हमने के ज्ञान नहीं खेर को बात नहीं लगे हमने सब ज्ञान के जानिल हमने में सब कुछ ज्ञान है श्रद्धा है भक्ति है दया है प्रेम है स्नेह है सब कुछ है पर परमपिता परमात्मा बोले थे संसारिक कर चलते ले दया हमने जो उनका करो थे वो दयाटा सदा सदा कर चलते ले नहीं लगे एक ना एक दिन वो दयाटा संसारिक कर चलते ले चाहे दया हमने माता पिता के करबे चाहे हमने अपन पुत्र या सगे संबंध दोस्त हमने दया प्रेम उगला के तो निश्चय करबे परमपिता परमात्मा मना भी नहीं करे थे दया करे के चलते ले मुरम करे के चलते ले प्रेम करे के चलते ले पर जोनता हमने हिसाब लेके जाबो यहाँ से और उस श्रद्धा थोड़ा भी अगर हमने परमपिता परमात्मा के नाम में थोड़ा कुछ श्रद्धा हृदय से यदि हमने करबो इस श्रद्धा भाव से तो आने वाला हमने के जोनता ने की पुनर्गति सिद्ध हो। तो हमने सुन भाई भगवत गीता में बोले व्यास देव महाराज की जय बोले भक्त अर्जुन की जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ बोलो थे हमने सुन भाई 320 पृष्ठा में हमने सुन भाई
हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब मैं तुझे मनुष्य के प्रतिदिन करने वाले कर्मों के फल के विषय में बताता हूँ। हमने जोन जोन कर्मों गिला करें वो कर्मों के करके हमने के फल गिला का फल गिला प्राप्ति हो जोन कोनो भी हमने काम करो थे माने संसार में वो कर्म करके हमने के का फल गिला प्राप्ति हो विषय में सुन दे। हमने तो प्रतिदिन काम करें हजरे उठ के झाड़ू झक्का से लेके घर के काम से लेके सब कुछ काम हमने करें वो काम गिला करके हमने के का फल मिले माने संसारिक काम लगे गिला और वो काम गिला करके भौतिक जगत के काम के करके हमने के का फल के प्राप्ति हो। यह फल तीन प्रकार के होते हैं, अब उनकी व्याख्या सुनो। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख और बुरे भले कर्मों का फल मिश्रित होता है। हमने सुबह को जान ली अगर कारों से हमने भाल व्यवहार करें तो सामने वाला व्यक्ति भी हमने से भाले व्यवहार करें और हमने यदि कारों से गलत व्यवहार करें उके हमने यदि गलत शब्दों के प्रयोग करें का कहो तो वो भी हमने के गलत शब्द ही प्रयोग करें माने तो हेले भला कर्म हमने करें तो भाल फल मिले हमने के और बुरे कर्म करें तो हमने के बुरे कर्म मिले और बुरे भाले दोनों टा हमने यदि मिला के करबो बया भी गलत भाल भी और बया भी दोनों के मिला के यदि करबो होले हमने के मिश्रित वाला फल मिले माने। ये तीन प्रकार के फल प्रतिदिन हर प्राणी को भोगने पड़ते हैं, मगर जो प्राणी संसारिक मोहमाया को त्याग कर मेरी शरण में है और मुझे समर्पित है उन्हें सुख की ही प्राप्ति होते हैं। हे अर्जुन, प्राणी द्वारा किए गए जो भी अच्छे या बुरे कर्म होते हैं उनका संचालन प्राणी की इंद्रियों और मन के द्वारा होते हैं। तो हमने के मन और इंद्रिया के द्वारा हुए कर्म हमने क्यों तभी कर बोए माने हमने मन से सोचिल माने आज मंदिर जाबो तो हमने मन से सोचिल और इंद्रिया वो काम के लिए करे के लिए रेडी हुए माने। तो इंद्रिया हमने के मन सबसे पहले मन में जागृत हुए जो हमने आज जाबो ना नहीं वो काम के करबो ना नहीं सबसे पहले हमने के मन में जागृत हुई क्वेश्चन उकर बाद हमने काम के करिल माने। तो देहधारी प्राणी के अंदर आकर्ता है अर्थात वो कुछ भी नहीं करती लेकिन फिर भी पवित्र और निर्मल है। हे धनंजय, आत्मा को वही पहचान सका है जिसकी बुद्धि निर्मल तथा मन उज्जवल है। तो हमने आत्मा के विषय में है नहीं जनेल बाकी सब कुछ ज्ञान है हंदर में पर आत्मा के ज्ञान हंदर नहीं था का गोती के हंदर इस संसार में आई के संसार के बंधन में बांधाई के आई किरकम से जन्म मृत्यु जड़ा वृद्धि के चक्र में बार बार आना और बार बार जाना एटा हमदर लगा ला है मने हमदर बार बार आते ही माँ के कोख में और बार बार आई के जन्म लेते ही और बार बार यहाँ से आना जाना हंदर हो है चौटल है हंदर मोनटा की बताते हैं आत्मा के ज्ञान में थका गोती के हंदर इगला होते हैं। जब व्यक्ति के आत्मा के ज्ञान हो उस समय में हे धनंजय आत्मा को वही पहचान सका जिसकी बुद्धि निर्मल जार बुद्धि पानी के भांति जेकोम नदी के पानी के कोम एक समय में सफा आयल मने एक समय में सफा आयल पर वहां ढुकी के यदि केव कीचड़ करें केव नहाएन वार जोनने की भीतरे जोनने की बालू या जोनने की गंदगी है नीचे और गंदगी के यदि तहस नहस करें तो जाके पानी टा भी की होल गंदा होल ठीक उसी प्रकार हंदर बुद्धि भी और कोम है और हंदर बुद्धि में यदि हंदर कौन रास्ता में चलबो और की कर्म करबो जे हंदर बुद्धि टा साफ होके थाकबे निर्मल होके थाकबे कार से संगत लगाबो एगला सब हंदर बुद्धि के द्वारा होल कौन रास्ता में चलबो की कर्म करबो सब हंदर बुद्धि के द्वारा होल और बोलते है बुद्धि निर्मल और मन के उज्जवल करे लगी माने। परंतु जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है और नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन है और जार बुद्धि में की भ्रष्ट हो जाए माने भ्रष्ट हो जाए बुद्धि नेत्र तो आहे आँख तो आहे पर वो देख नहीं पाते माने नेत्रहीन हो गया है। ऐसे प्राणी ना तो आत्मा की महत्व समझ सकते हैं और ना ही उसे पहचान सकते हैं और एरकम आदमी ना तो वो उकार आत्मा के चिनेल और ना ही उके पहचानेल उकर आत्मा के महत्व उकर आत्मा का चाहते माने उकर आत्मा के कर्म का लगे ना तो वो उके समझेल और ना उके जाने पड़ेल
आत्मा को इस बात का अहंकार नहीं होता कि वो आत्मा है, अर्थात वो कोई कर्म नहीं करती। अच्छा बुरा जो कर्म किया जाता है उसका दोषी मन और इंद्रियां होती है। हमने आत्मा तो सजा पाइक वाला लगे मैंने आत्मा के सजा मिले कर्म तो करेल मन और इंद्रिया करेल मैंने इंद्रिया हम इंद्रिया गिला लगे पांचटा इंद्रिया आंख नाक मुख कान चक्षु पांचटा इंद्रिया मूल इंद्रिया लगे और ये इंद्रिया गिला जो कि गलत काम ना देख गलत जगह ना जा गलत जगह ना देख हंदर वही जाकर देखिए मैंने हंदर जो गलत ना सुनते लगे बोला बोली के बोला जाए तो हंदर गलत है सुनी गलत वस्तु ना खा बोली के जैसे बोला जाबे तो हंदर गलत वस्तु लेके खाई तो हंदर इंद्रिया गिला दोषी करें मन मन तो दोषी होल पर सजाटा कखे मिले सजाटा आत्मा के मिले। एक डायबिटीज वाला व्यक्ति के मीठा खबर मना थकेल जखन कि डायबिटीज है वो डायबिटीज वाला व्यक्ति के मीठा खबर मना थकेल तथापि वो मीठा के खाई के भाल पाल मने आरो ओके जितना मना करा जाबे उतना वो मिठाई खाबे मने। तो ठीक उसी प्रकार हमदर मन और इंद्रिया बहुत हमदर के हमदर आत्मा के फसाई देने के समय में और आत्मा का सजा पेल मन और इंद्रिया कर्म करें और आत्मा आत्मा के सजा मिले। वस्तु तो है आत्मा निराकार है उसे कोई देख नहीं सकता आत्मा भगवान के अंश लगे जिनको हमने की परमपिता परमात्मा के हमने देख नहीं पाए मैंने भगवान तो इस जगह विराजमान है पर भगवान के हमने देख नहीं पाए वही रकम आत्मा निराकार है और आत्मा के क्यों भी देख नहीं पाए और वो जब चाहे प्राणी को मार सकती है पर आत्मा ऐसा ना है जेहन इच्छा सेहने आदमी के मारे पड़े बोले थे आत्मा का हमने के छोटा मोटा सांस चलता चलो थे मैंने इस सांसे तो आत्मा लगे मैंने हमने के हृदय में स्थित है एक कोना में हृदय में हमने के स्थित है। अब जब हमने के सांस बंद हो जाए वह समय सोचब मैंने प्राण वायु हो के निकले वो आत्मा का सूक्ष्म आत्मा लगे अनु आत्मा लगे बार बार ये बात के हमने के समझाए के लिए गीता में बोला था मैंने हमने के आत्मा का निराकार है आत्मा के हमने कभी भी देख नहीं सके हमने देख ही नहीं पाए आत्मा के और जब चाहे हमने के मारे पड़े मैंने आत्मा का वही रकम है कि नहीं बतावा तो क्यों ऐसा ना है सब दिन के चलते जीवित रहने वाला व्यक्ति क्यों बतावा तो हजार हजार साल हमने के रही यहाँ कलयुग में क्यों है नुकसान हजार साल तो कहा हमने सौ साल जीवित रह नहीं पा रहे हम आजकल यही रकम हो जा है उसे किसी भी कर्म का बंधन नहीं है। हे पार्थ अब मैं तुझे ज्ञान कर्म और कर्ता के विषय में बताता हूँ ये तीनों ही प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विक ज्ञान के विषय में बताता हूँ इस प्रकार का प्राणी सतो सर्वोत्तम होता है क्योंकि उसका ज्ञान असीमित होता है ऐसी ज्ञानी को केवल अविनाशी आत्मा ही दिखाई देती है वरन वो गरीब अमीर तथा उच्च या नीच सबके साथ एक समान व्यवहार करता है मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी अन्य प्राणी को कोई कष्ट पहुंचे यही सात्विक प्राणी की विशेषता है। और हमने सात्विक गुणी वाला बने के बहुत आवश्यकता है हमने सबको के इजन आंजन के प्रेम करे के अति आवश्यकता है बेले कर दोषी के देख के भी बेले अगर दोषी भी कर देते हैं दोस्त भी कर देते हैं तो के देख के हमने के क्षमा करे वाला हमने के हृदय में उस शक्ति का होने लगी सामने वाला व्यक्ति अगर क्षमा भी कर देते तो उस सामने वाला व्यक्ति अगर दुष्ट भी करो थे ओकर दूसरी के देख के हमने के क्षमा करे वाला हमने के हृदय में उस क्षमता उस शक्ति का हमने के हृदय में होने लगी तब जाके हमने सात्विक वाला बन गई और उके जाने के लगी परमपिता परमात्मा अविनाशी लगे और हमने के आत्मा भी अविनाशी लगे आत्मा कर कभी भी मृत्यु नहीं होल आत्मा अजर अमर है इस बात के उके जाने कर अति आवश्यकता है। मन में करो प्रति क्यों भी कोनो द्वेष भावना ना रखे के नहीं लगी काको भी गलत भाव से देखे के नहीं लगी बोलते हैं मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना या नहीं रखता वह रकम व्यक्ति के लगे सात्विक गुणी वाला व्यक्ति बोले पर हमने सात्विक गुणी वाला व्यक्ति बने के नहीं पड़े हमने अगर सामने वाला व्यक्ति के खो अगर प्रेम करे तो आन एक व्यक्ति के हमने द्वेष दूषी बनाए माना दूषी ठहराए वही चलते हमने सात्विक गुणी बने के नहीं पड़े
पर हमने के परम पिता पर बार बार चिल्लाए चिल्लाए के बोले थे हमने के सात्विक गुणी वाला बहने के लगे सब कोई के प्रेम करे के लगे उकर में है हमने सद्भावना वाला और भाईचारा वाला रास्ता के हमने अपनाए पर्व मैंने हमने एक व्यक्ति के बहुत प्रेम करे और एक बेटा के बहुत द्वेष भाव से हमने देखे लोकेशन है बतावा संसार में सब कोई के प्रेम करे के लगे सब कोई के शांति शांत चित भाव से हमने के देखे के लगे तो के बोले सात्विक गुणी वाला बोले और बोले थे हे धनुर्धारी अर्जुन अब राजसी ज्ञान सुनो जो प्राणी सर्वथा ये कहे कि ये मेरा है जो तेरा है या सब कुछ मेरा सब तेरा नहीं है जो राजसी ज्ञान कहलाता है ओके राजसी ज्ञान बोले जेने की बोले माने इटा मोर मोर लगे इटा मोर संपत्ति लगे इटा उकर संपत्ति लगे मोर तोर में जेने की और उच्च नीच भेदभाव में लयके रहल मने उच्च नीच भेदभाव में जे लयके रहल ओके बोले राजसी बोले मने उटा ऊंचा जाति के लगे उटा छोटा जाति के लगे उगी लगे तो ऐसा मने नहीं होके लगे हमने के हो होके लगे मोर है घर बने के लगे उगला कर घर काले बने इगला चिंता गिला रखे एकटा छोटो से छोटो चिंता लगे पर सात्विक में ईसन नहीं रहल मने सात्विक में सब कोई समान लगी मने सब कोई समान लगी चाहे वो जनो कोनो कर बेजाती भी रहो मने जाति कोनो भी उच्च नीच भेदभाव हमने के करे के नहीं लगी कोनो जाति के भी होके लगी सब कोई के समान भाव से देखे के लगी हमने के उटा सीखेल हमने के सात्विक ज्ञान से पर राजसी ज्ञान में का होइल राजसी ज्ञान में बोलेन इटा तो मोर घर लगे तो उटा उकर उकर घर लगे तो इतना तो संपत्ति लगे इटा मोर संपत्ति लगे ईसान कर के हमने राजसी ज्ञान में हमने हस्ता चला जाए ठीक है राजसी ज्ञान बोले ना तीसरे प्रकार के प्राणी तामसी ज्ञान के होते हैं तीन का ज्ञान है मैं बार बार बोला तो तीन का ज्ञान है सतो रजो और तमो सत्विक राजसी और तामसिक ये तीन का ज्ञान है और तीन का ज्ञान के विस्तार से बता दे मैंने हमने के समझा दे ये ज्ञान तीन 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 का ज्ञान के पूरा विस्तार से पूरा बता दे चाहे संसार के व्यक्ति जितना भी है सबे समझो का ओके बोल के हमने के सब कोई के ये ज्ञान के समझाई के चलते भगवत गीता के हमने सुनो थे इस ज्ञान के द्वारा ज्ञानी को हर प्राणी में बुराई नजर आती है और तामसी जो ज्ञान लगे तामसी ज्ञान के माध्यम से संसार के जितना प्राणी है सब कोई में बुराई नजर आई एकमात्र मोय भला हो मने और संसार के जितना भी प्राणी हैं जितना भी हैं सब कोई बुरा व्यक्ति लगेन बुरा प्राणी लगेन बुरा जीव जंतु लगेन मोय भला हो बोल के सोचेन मने खाली अपन बारे में चिंता करें मोय अच्छा हो मने पर सामने वाला व्यक्ति चाहे वो जैसन भी रहो मने वो भाल कर्म भी करो हम लोग बुरा बोल गए मने उठा लगे तामसी लगे मने नजर के सब व्यक्ति में वो बुराई देखेल मने उसकी दृष्टि में केवल मैं ही अच्छा होता हूँ वो बोले मने मोय खाली अच्छा हो बाकी सब बुराई से सराबर रहते हैं तामसी प्राणी को हर किसी के साथ वीर भावना रखने में ही आनंद आता है और तामसी वाला व्यक्ति के सब में बुराई दिखेता और सब में बुराई मने समझेता है उके अच्छा लगे मने आनंद होल मने सामने वाला व्यक्ति अगर भला भी करो थे भाल कर्म भी करो थे तो उकर में बुराई नजर आनी मने और वो बहुत आनंद होल मने उके बोले तामसी ज्ञान बोले वो ज्ञान के और ई ज्ञान गिला के हमने समझेता बहुत आवश्यकता है हमने ई गुण गिला के नहीं जानिल वह चलते हमने से यह रकम बार बार जन्म मृत्यु जड़ा वृद्धि के चक्र में हमने बार बार आयल और बार बार जाते रहिल बने हे धनंजय कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहले मैं तुझे सात्विक कर्म के विषय में बताता हूँ और कर्म भी तीन प्रकार के होइल और सबसे पहले सात्विक कर्म के विषय में बता है हमने के सबसे पहले सात्विक कर्म के विषय में समझाते हुए गीता में बताते जो प्राणी अपने मन में यह धारणा बना ले कि यो कर्म मेरे योग्य है शुभ है और दूसरों के इस कर्म से लाभ होगा और वो मन में फल प्राप्ति की कोई आशा या इच्छा ना रखे जो सात्विक कर्म कहलाता है उस सचल मन सात्विक वाला कर्म का लगे जोन भी कर्म करो थे मने हमने जोन कर्म भी करिल वो कर्म के कर के व्यक्ति के भला होइल मने समाज के भला होइल बोल के हमने निकले थे मने आज हमने सबे कोई निकले थे और भगवत गीता के सुनो थे
तो ये भगवत गीता सुन के समाज के सब व्यक्ति के भला होवे बोले कि सभी को निकली है। चाहे हमदर में गुण है या नहीं है, पर हमदर जो काम करते ही तो काम के द्वारा एक काम कर माध्यम से सबका भला होवे। एरकम चिंता करी के जेने के काम करेल मुझ जोन काम करते ही मोर काम के द्वारा 10 जन व्यक्ति के भला होवे, 10 जन के माने सुख मिलवे, एरकम भाव राखी के जेने के काम करेल। और मन में कोनो फोल कर काम करते हैं पर मन में कोनो फोल कर आशा नहीं रखते, काम करते जाते हैं पर मन में कोनो फोल प्राप्ति कर कोनो आशा नहीं रखते हैं, या के सात्विक कर्म बोला जाए। सात्विक कर्म का बारे 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 हम देखे समझावर चलते बोलते हैं, हे कुंतियो अब मैं तुझे राजसी कर्म के विषय में बताता हूँ। राजसी कर्म के विषय में अभी बताते हैं। जो प्राणी कर्म के साथ साथ मन में फल की इच्छा और अहंकार की भावना रखकर यो कहता है, यो कहता फिरे कि यह कर्म मैंने किया है, तथा उस कर्म को करने में कोई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े, ऐसे कर्म राजसी कर्म कहलाते हैं। तो ज्ञानी वाला व्यक्ति के स्वभाव नहीं दिल मने, जेने की ज्ञानी व्यक्ति लगे वही बात टके कभी भी बोले नहीं लगी जे ये काम टा मोर द्वारा हो रहे हैं। आज हमने जोन काम टके करो थे ये बात टके हमने बोले नहीं पर वही जे हमने सब कोई के गीता सुना थी तो ये काम टा मोई कर हो बोल के मोई शब्द कभी भी लगे नहीं लगी होले बोले मने हमने बोले एक बार वही हम देर बोले एक बार वही पर मोई काम टके कर हो बोले नहीं पर वही इरा सामाजिक लगे ई नाम घर के हमने सबे को मिल के बना थी, रास्ता भी सरकार बनाते सरकार में एक जन नहीं रहे सभी को मिल के बनाते हैं। तो गिला मोह बना हो बोल के बोले का बहुत बड़ा बात लगे मने, और वो ज्ञान था राजसी ज्ञान लगे जेने की बोले कोने का कर्म करे और कर्म टका करके बोले ये काम टका मोह कर रहे हैं, मोह अगर नहीं करते होते तो ये काम का नहीं होता, वैसे कहते मोह कर रहे हैं। चाहे वो दो जन करो या पांच जन करो या छह जन करो पर वो मोह शब्द लगा के बात करे, ये मोह शब्द लगा पर बहुत गलत लगे, मोह शब्द कभी भी नहीं लगे। हमदर जोन काम के भी करते ही हमदर शब्द लगाते लगे, हमदर शब्द लगा के एक काम के लिए करते लगे, धर्मों के काम में तो कभी भी मुझ शब्द लगाते ही नहीं लगे। चाहे जेरकम भी हो जितना ज्ञानी व्यक्ति हो सबको हमदर मिली के कर लिए शब्द बोलते लगे, सबकार द्वारा हुई है मोर एकला के द्वारा कभी भी नहीं हुई है। किस्मा ना है ज्ञानी व्यक्ति गिला और कम शब्दों के लाके प्रयोग करें, हमदर कभी भी बोलते नहीं बार बोए जे हंदर एक गीता के ज्ञान सबसे पहले हंदर पूरी ही बोली के, ना जाने कितना व्यक्ति हैं उधर एक ज्ञान के सुनी के समाज में ज्ञान बढ़ते हैं, वैसे उधर मुझ शब्दों टा कभी भी लगाते नहीं पड़ा जल। और बोले मने काम करते हैं और बोलते हैं ये काम करवार में मुझे बहुत कष्ट हो ले, बहुत कष्ट उठाई के मुझे काम टके को रही है, एक शब्द हंदर प्रयोग करते नहीं पाओ। हंदर काम करते ही सात्विक वाला काम लगे, सात्विक वाला काम में हमेशा कष्ट तो आना ही है, सात्विक कर्म में कष्ट तो आवेल पर वो कष्ट के आए होले हमने नहीं बोल गई जे काम टके करे के मोर कितना कितना बाधा आल कितना कष्ट आल तो भी मुझे काम टके कर लो बोल के बोले कि नहीं पड़ेल मैंने बाधा तो अवश्य आए मैंने। जो प्राणी मोह माया के बंधन में बांधा है बंधा रहे अपनी बुराई का प्रदर्शन करता फिरे, अपने बल को दिखाना अपनी शोभा समझे अथवा किसी पर घात करे और किसी के दिल को चोट पहुंचाए, ऐसे प्राणी के कर्म तामसी के कर्म कहलाती है। हे पार्थ अब मैं तुझे कर्मकर्ता के विषय में बताता हूँ। सर्वोत्तम कर्मकर्ता सात्विक कहलाता है। यदि सात्विक प्राणी धर्म कर्म के कार्य यज्ञ महोत्सव हवन श्राद्ध इत्यादि करे, मन में किसी भी प्रकार के फल की इच्छा ना रखे, मन अहंकार रहित हो, हृदय में हमेशा यो भावना रखे कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझे तो कुछ दिया है परमेश्वर, मुझे जो कुछ दिया है परमेश्वर ने ही दिया है, अर्थात किसी अच्छे कर्म के पश्चात उसका आडंबर ना करे, हर कार्य को सहज भाव से करे, कार्य बिगड़ जाए तो उसका शोक ना करे, और कार्य के विधि पूर्वक पूर्ण हो जाने पर खुशी को प्रदर्शित ना करे, और ईश्वर कृपा से जैसा भी भोजन मिले उसे उसका प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले, ऐसे कर्म के कर्ता को सात्विक प्राणी कहते हैं। पहले सात्विक ज्ञान के बारे में जिस बार 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 हमने के समझाते मैंने,
सात्विक वाला व्यक्ति है हमने के संसार में बने कर आवश्यकता है। हमने सब कुछ बने के लिए पड़े पर सात्विक गुणी बने नहीं पड़े मैंने और बेटा हमने के एकता सब पर्व मैंने बने के चलते में राजसिक और तामसिक तो हमने बोले के नहीं लगी मैंने हमने के टाइम नहीं लगा राजसिक और तामसिक बने के चलते में पर हमने सात्विक ही बने के नहीं पड़े पहले हमने के सात्विक गुणी वाला बने के लगी भाल सब कोई के इजोने आंजोन के प्रेम करे के सीखे के लगी बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गिरवर धारी जय राधा माधव हरि बोल जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गिरवर धारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गिरवर धारे जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गिरवर धारे जय जय राधा माधव गिरवर धारी जय राधा माधव गिरवर धारे जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गिरवर धारी जय बोले श्री राधा रानी की जय बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जो तन मन से अपवित्र रहे धार्मिक कर्म आदि करते समय हर्ष या शोक से ग्रस्त हो मन में स्वयं द्वारा किए गए कार्य की फल की इच्छा रखे तथा मन में इस भावना की धारणा रखे कि लोग मुझे धन्य कहेंगे लेकिन किसी धार्मिक कार्य अथवा अन्य कारणवश धन के व्यय होने से दुखी हो ऐसे कर्ता को राजसिक कर्ता कहती है। तो हेरकम हम देर धर्म के कार्य में लिप्त हो क्या ही और धर्म के कर्म के हम देर करते ही और हम देर यदि सोचबो मैंने धर्म के काम करते ही और धर्म के काम करते करते हम देर यदि बोलबो ये काम टाके धर्म के काम टाके करते करब हले लोग हम देर नाम लिखबेन हम देर के भला बोलबेन और कम सोची के जिन की काम करते हैं ये काम टाके किंतु राजसी काम बोला जाए मैंने सरकम काम हम देर के कभी भी जीवन में करते नहीं लगे जो हम देर लेकिन नाम हो बोले के काम करब मैंने वोटा गलत लगे मैंने स्वयं निजर इच्छा से निष्काम भाव से कर्म के करी के जाते लगे पर हम देर जो काम के करते ही एक काम के द्वारा मैंने हम देर मैंने नाम हो गए एकदम सोची के अंदर कर्म कभी भी करते नहीं लगे एकदम कर्मों के राजसी कर्म बोला जाए जो प्राणी शास्त्र की विधि नहीं जानता अर्थात
जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सी धार्मिक विधि किस प्रकार संपूर्ण की जाए, किसी सज्जन अथवा महापुरुष के समक्ष झुकने में अपना अपमान समझे, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करे तथा किसी के साथ प्यार अथवा मैत्रीपूर्ण संबंध ना रखे, ऐसे प्राणी तामसी कर्ता कहलाती हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, अब मैं तुझे तीन प्रकार की भक्ति और दृढ़ता के विषय में बताता हूँ। तीन प्रकार के भक्ति हम दर्जन भक्ति करते ही ये भक्ति का तीन प्रकार के रहे, मैंने तीन प्रकार के रहे। और वो तीन प्रकार में से अंदर कौन भक्ति के बा करते ही कहने की अंदर भगवान के भी भक्ति करते देना है और संसारिक भी करी अंदर घोरे भी करी कर्म। तो वो तीन प्रकार के कर्मों में से भक्ति में से अंदर कौन भक्ति करी के जाते ही आज ही अंदर गम पाबो। मन जिस प्राणी की बुद्धि प्रखर होगी वो अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना लेगा। जो प्राणी अच्छे कर्म को अच्छा समझे और बुरे कर्म को बुरा जाने उसे यह ज्ञान की किसी कार्य से मुक्ति प्राप्त होगी और किस कार्य के द्वारा वो बंधनों में बांधता चला जाएगा। जो अपनी बुद्धि और विवेक से इस तत्व को जान जाएगा अथवा ज्ञान होगा वही ज्ञानी और सात्विक बुद्धि वाला होगा। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा धर्म को अधर्म और बुरे कार्य को भला समझे ऐसे प्राणी राजसी बुद्धि वाला होते हैं। हे पृथापुत्र, तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति सूक्ष्म विचरण शक्ति के कारण अधर्म को धर्म के रूप में धारण करने वाला, अर्थपूर्ण को अनार्थपूर्ण मानने वाला, अन्य प्राणियों से मन में द्वेष की भावना रखने वाला, जीवों को पीड़ित करने वाला तथा विषादपूर्ण स्थितियों से घिरा रहने वाला होता है। हे धनंजय, दृढ़ता तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। जिसका मन निश्चल हो, प्राणी के वशीभूत हो, इंद्रिया वश में हो तथा मन हर समय प्रभु चरणों में तल्लीन रहे वही सात्विक दृढ़ता वाला होता है। जिस प्राणी का मन अपने धर्म में हर प्रकार से दृढ़ रहे, जिस कार्य को करने का मन बना ले उसे दृढ़ता से पूरा करे, यदि धन कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो खूब धन संचय करे तथा किसी कार्यों में दृढ़ता अपना कर और उस पर खड़ा उतरे ऐसा प्राणी राजसी दृढ़ता वाला होता है। जो हर समय निद्रा मग्न होता है, निद्रा ही जिनका भूत भविष्य और वर्तमान है, जो हर समय चिंता मग्न रहते हैं तथा हर प्राणी के साथ कलह करते हैं ऐसे प्राणियों को तामसी दृढ़ता वाला जानो। फिर कम व्यक्ति गला के तामसी वाला व्यक्ति बोला जल जिन्हें की हमेशा निद्रा मग्न हो गए रहेल, ना भविष्य कर चिंता है, ना वर्तमान कर चिंता है, ना अतीत कर चिंता है, वो तीनों टकर चिंता नहीं करेल, माने भूत वर्तमान भविष्य कोनो कर चिंता नहीं करेल, वो आप चिंता मग्न हो गया रहेल, माने चिंता करते रहेल, माने वो हमेशा चिंता में रहेल और निंद्रा में भी वो डूब के रहेल, माने वो व्यक्ति के यहाँ का बोले थे तामसी व्यक्ति बोला जाते माने वो व्यक्ति के तामसी दृढ़ता वाला व्यक्ति समझो। हे भरत वंश, जब प्राणी संसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति त्याग करके मन प्राण व इंद्रिया के द्वारा भगवत चिंतन करता है, भगवत के चिंता करेल उस समय उसकी अब आस्था सात्विक कहलाती है। जब प्राणी की आस्था धर्म अर्थ तथा काम में होती है तब यो आस्था राजसी कहलाती है। जब प्राणी की आस्था का झुकाव दुष्ट प्रकृतियों की ओर होता है तब वो भ्रष्ट और तामसी आस्था कहलाती है। इस आस्था और अवस्था में प्राणी भयग्रस्त, चिंतित और
विस्मित जैसा कष्ट भोगने वाला हो जाता है। हे अर्जुन, सुख भी तीन प्रकार के होती है, सुख भी तीन प्रकार के होल बोलते हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसी सुख। ऐसा सुख जिसमें प्राणी भगवत भजन, भगवत दर्शन तथा पूजा अर्चना नियम अनुसार करता है और जिसके प्रभाव से उसके अनिष्टों का नाश होता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। ओहले हमदर के सात्विक सुख, सात्विक ज्ञान के है हमदर जीवन में अपना बार कोशिश करते लगे और भगवत भजन, भगवत दर्शन आई के हमदर आज रविवार लगे, रविवार में आई के सब कोई हमदर भगवत का दर्शन करते हैं, चाहे कथा जे भी करो, मैंने चाहे मुई करबो या चाहे जे कोई भी करबे, पर आई के अंदर भगवत के दर्शन कराटा हमारे जीवन में बहुत बड़ा पुण्यों के अंदर काम आते ही बोली के सोचते लगे, चाहे जे भी कथा करूँ, किरकम कथा करते हैं किरकम नहीं करते हैं जानते हैं ना ही जानते हैं, पर आई के जे अंदर कम से कम दर्शन करते पाते ही वहटा अंदर चलते ले बहुत पुण्यों के फल के कमाबार रकम है, जानते हैं ना जानते हैं, पर अंदर आई के नमस्कार करते ही भगवान के रागुदी के सर झुकाते ही वहटा अंदर चलते ले सब कुछ लागे। और वहटा क्या बोलें, सात्विक बोलें माने तो बेसी समय आर कथा नहीं करते हुए से 18 अध्याय थोड़ा लंबा है, माने थोड़ा लंबा है 18 अध्याय और थोड़ा टा करबो, प्रभु होनु नहीं आई है, अलग रकम देखा पाली होनु नहीं आई है, होनु एक जन थकते लगे बदना बदबर आदमी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा सुख पाने के लिए प्राणी को प्रारंभिक अवस्था में काफी विचित्र या प्रतीत होता है, उस समय उसका मन पूजा अर्चना एवं आस्था में नहीं लगता, ऐसी अवस्था में उसे ये सब कर्म दुविधा का आभास कराते हैं, लेकिन जब उसे इन कर्मों का आभास हो जाता है और वो भगवत भक्ति में तल्लीन हो जाता है तब उसे अपार सुख शांति की प्राप्ति होती है। फर्स्ट टाइम में किंतु जखन हमने भगवान के चरण में आबो मंदिर में आबो तो टाइम में हमदर के सुख नहीं मिले, दुख मिले, मैंने घर से गाली सुनते मिले, कहाँ जाते हैं की करते हैं, इतना देरी लगे मंदिर में, इतना कथा होल तदरे कीर्तन भजन करी तदरे मैंने भगवान लगे, बहुत रकम कथा बहुत रकम शब्दों अंदर के सुनते ले मिले, बार 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 मैं सुनी 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 अंदर मन से जोटा नहीं कि सात्विक ज्ञान लगे, वो सात्विक ज्ञान टा दूर होते जाए, बार बार जब एकटाई शब्द के सुनते थे वो यदि देरी होते है तो भी अंदर घर जाते ही घर जाके अंदर जखन नहीं कि सुनते ही गाली तो कम लाभ है मन में, तो इसी प्रकार जब अंदर मंदिर में देरी भी हो जाते हैं तो अंदर घर जाके जखन गाली सुनी होले अंदर मन से ये भावटा अंदर दूर हो जाए, तो चलते ले अंदर के दृढ़ता पूर्ण होते लगे और दृढ़ता से होगी अंदर के सात्विक सात्विक कर्म में अंदर के लीन होकर थकते लगे। इस सुख की ही इस सुख को ही सात्विक सुख कहते हैं। प्राणी सांसारिक विषयों का इंद्रियों द्वारा भोग करता है, इस भोग की अवस्था के शुरू में प्राणी को अपार सुख मिलता है, यह सुख उसे स्वर्ग भोगने के समान लगता है, परंतु धीरे धीरे यही सुख उसके लिए नरक के समान प्रतीत हो जाता है, यह सुखदायक साधना वृद्धावस्था में दुखदायक हो जाते हैं, अतः इस सुख को राजसी सुख कहते हैं। हे अर्जुन, जिस सुख को भोगने के समय आत्मा की अनुरक्ति हो जाए अर्थात बेसुध निंद्रा में अलस्य सावधानी प्रभु की ओर से विमुक्ता तथा हर प्राणी को शंखामय दृष्टि से देखना तामसी सुख कहलाता है। ये कथा के 18 अध्याय के हमने और एक बार रिपीट करबो मैंने और एक बार सुनबो, तो आज कल कथा के हमने यहाँ विराम देख जाते और हो तो हमने के थोड़ा कुछ जन्माष्टमी के थोड़ा आलोचना भी आए, वही चलते रहे कथा के हमने यहाँ विराम देखे और बढ़िया से करबो आने वाला सप्ताह में कथा के और
थोड़ा जन्माष्टमी के आलोचना रह कर चलते हमने कथा के यहाँ विराम दे के थोड़ा आगू दिखे हम तो किसमान आलोचना विलोचना है वही चलते कथा के यहाँ विराम करो थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री राधा रानी की जय, बोले तुलसी देवी की जय, सबके जय सियाराम, हरे कृष्ण। हम पॉज करके रख दी एक तार बाहर शब्द गिरा बोलते लाभ ना पॉज करके रखते बोल थोड़ा टाइम ना प्रभु थोड़ा टाइम पॉज करके रख हाँ थोड़ा टाइम पॉज करके रखी था आरती के टाइम में ऑन कर भी हाँ तो प्रभु।